अस्सलामुअलैकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी लाने की हदायत। क्रैकडाउन के दौरान मनशियात फरोशी के मकरूह धंधे में मुलविस 1658 मुलजमान गिरफ्तार। मनशियात फरोशों से 11 किलो 960 ग्राम हिरोइन बरामद। लाहौर पुलिस ने कुमारबाजी पर 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार के सरानी और एसएसपी ऑपरेशंस अहसन सैफुल्लाह की थाना जनूबी छावनी में खुली कचहरी। एसएसपीज ने शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का इस मौके पर कहना था कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को इंसाफ फराहम करना है। इन्वेस्टिगेशन रावी रोड पुलिस लाहौर की कार्रवाई। नकदजनी की वारदातों में मुलविस गैंग के 5 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान से 2,35,000 नकदी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस फैसल टाउन लाहौर ने बैंक के बाहर नौसरबाजी करने वाला गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से कार, मोटरसाइकिल, 2.5 लाख रुपए नकदी, 10 मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद। मुलजमान के खिलाफ फैसल टाउन समेत लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 26 मुकदमा दर्ज हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस नवाकोट लाहौर ने मोबाइल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान डकैती और चोरी के मोबाइल्स का IMEI नंबर तब्दील करके फरोख्त करते थे। मुलजमान से लाखों रुपए मालियत के 25 मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और नकदी बरामद। गुलशन रावी पुलिस लाहौर की नाजायज असलहे के खिलाफ कार्रवाई। मुलजिम नाजायज असलहे के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड करता था। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शादबाग पुलिस लाहौर की बरवक्त कार्रवाई। गूंगे और बहरे बच्चे के साथ ज्यादती करने वाले दरिंदा सिफ्ट 4 मुलजमान गिरफ्तार। ये थी अब तक की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.pscr.tv।